नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक को देख सकते हैं तक ऐप से, तो अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पे जा करके तक ऐप डाउनलोड कर ले। इसके साथ साथ आज हम चर्चा करेंगे गेहूं से संबंधित, क्योंकि गेहूं के ऐसे 3 महा उपाय जो आपके घर में हमेशा बरकत बना के रखेंगे, साथ ही साथ धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होने देंगे और माँ अन्नपूर्णा की कृपा भी आप सभी पर बनी रहेगी। तो कौन से वो 3 उपाय हैं, ये हम चर्चा करते हैं। मगर पहले हम बात करते हैं गेहूं की। गेहूं को अगर हम देखा जाए, सीधा सीधा संबंध जो होता है वो बृहस्पति ग्रह और सूर्य ग्रह से माना जाता है। इसके साथ साथ गेहूं को जब हम पिसवाने जाते हैं तो हमें कुछ ऐसे उपाय करने बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं जो हमारे जीवन में हमें स्वस्थ बना के रखते हैं, आरोग्य बना के रखते हैं और साथ ही साथ धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होने देते। कौन से वो 3 उपाय हैं, ये हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला उपाय, यदि आप गेहूं पिसवाने जा रहे हैं तो आप प्रयास यही करें कि आप हमेशा गेहूं को या तो सोमवार के दिन या फिर शनिवार के दिन ही पिसवा करके घर में रखें। इसके साथ ही साथ जब भी आप गेहूं पिसवाने जा रहे हो तो उसमें 11 पत्ते तुलसी के डाल करके छोड़ दें। आप देखेंगे इससे आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहेगी, साथ ही साथ आप हमेशा स्वस्थ भी रहेंगे। बात करते हैं दूसरे उपाय की। दूसरे उपाय की अगर चर्चा करें तो आपको करना क्या है, यदि आपके पास थोड़ा समय है, आपको पता है कि आपको थोड़ी देर बाद गेहूं पिसवाने जाना है, तो आपको करना क्या है, एक लाल रंग का साफ कपड़ा लें। इसमें आप सिर्फ दो पत्ते आप केसर के डालें और साथ ही साथ 11 पत्ते इसमें तुलसी के डाल दें। इसको आप माता दुर्गा के चरणों में रख दीजिए। थोड़ी देर बाद आप इसको खोल करके इन 2 पत्ते केसर के और 11 पत्ते जो तुलसी के हैं उनको मिला दें गेहूं में और उसके बाद आप इनको पिसवा दें। देखेंगे इससे आपके जीवन में ताजगी तंदुरुस्ती भी बनी रहेगी, साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य भी काफी हद तक अच्छा रहेगा। जिन लोगों को कहीं ना कहीं धन से संबंधित परेशानी है या फिर उनके काम नहीं बनते हैं, कारोबार नहीं चलता है, तो आपका कारोबार भी चलना आरंभ हो जाएगा। इसके साथ साथ बात करते हैं हम तीसरे और अंतिम उपाय की। आपको करना क्या है कि अगर आप 10 किलो गेहूं पिसवा रहे हैं तो प्रयास करें कि उसमें 1/2 किलो काले चने भी पिसवाएं। यदि आप 20 किलो गेहूं पिसवा रहे हैं तो ये प्रयास करें कि आप उसमें 1 किलो काले चने पिसवाएं। यदि आप मात्रा के अनुसार काले चने पिसवा करके गेहूं में मिलवा देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर शनि देव की कृपा भी बनी रहती है। और साथ ही साथ गेहूं को यदि आप रविवार के दिन दान करते हैं तो सूर्य देव की कृपा भी आप पर बनी रहती है। तो इसी तरह से गेहूं के ये 3 उपाय जो आपका जीवन बदल सकते हैं जरूर कीजिए, और साथ ही साथ गेहूं का दान करना भी बहुत ज्यादा लाभकारी माना रहता है। यदि हम किसी भी व्यक्ति को गेहूं दान करते हैं, जरूरतमंद व्यक्ति को दान करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी भी जरूरतें पूरी होती हैं, हमारा सूर्य भी उज्जवल रहता है, तेज रहता है और हमें अच्छे परिणाम ही प्राप्त करवाता है। स्पेशली जो लोग नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत खास रहता है यदि वो गेहूं का दान रविवार के दिन करें। आप लोगों के लिए ये करना उपाय बहुत ही ज्यादा शुभ रहेगा। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। बने रहिए एस्ट्रो तक के साथ। नमस्कार, जय श्री राधे।